अब इसमें क्या है, मैं आज 40 चेस्ट के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग करूंगी। जिसका सीना 40-38 है उस हिसाब से आप वीडियो देखना और इस हिसाब से कटिंग करना। अब इसमें क्या करना है, 2.5 का गला लेंगे, 3 के कंधे लेंगे, फिर 6.5 के आगे के गले की कटिंग करेंगे और 6.5 पे भुज की कटिंग करेंगे और इस तरह से अपन गोलाई दे देंगे। गोलाई भी यहाँ पर भुज में 1.5 इंच की, गले में 1 इंच की, और यहाँ से 12.5, मतलब अगर 40 है तो 40 में अगर अपन 10 प्लस कर देंगे तो 10 का मतलब 50 हो गया, 50 में 1/4 करेंगे तो 12.5 हो गए। 12.5 के अंदर ये 12.5 का निशान है, कमर 11.5 की है और ये लंबाई 16 इंच की है। ये 16 इंच के बाद इस तरह से निशान लगा लिया, ये पीछे का हिस्सा तैयार हो गया कटिंग का अपना। इस तरह से अपने को निशान लगाना है, कटिंग करनी है। इस तरह से ये पीछे की कटिंग हो जाएगी। मैंने पीछे की कटिंग कर दी है, जैसे मैंने निशान लगाया था ये कटिंग हो गई और ये पीछे का गला हो गया। जिसको पीछे का गला बड़ा चाहिए तो अपन ये पीछे की पट्टी नापेंगे, गले से नहीं नापेंगे, गले से कितना लेना है। पीछे की पट्टी रखो कि अपने को 5 इंच नॉर्मल होता है, 5 इंच, 4 इंच, 6 इंच, अपने को कितने इंच की पट्टी रखनी है, उस पट्टी से निशान लगा करके और इस गले को और बढ़ा सकते हैं। अगर किसी को डीप चाहिए तो पट्टी का निशान लगाना कि 5 की चाहिए तो 5 में निशान लगा करके और यहाँ से वापस राउंड कर दो, तो ये पीछे का कम्प्लीट हो जाएगा। इसमें ये आगे के गले की, आगे के पोर्शन की कटिंग कर रही हूँ मैं। अब आगे का, पीछे का तो मैंने बता दिया वीडियो में, अब ये आगे का बता रही हूँ कि आगे में कैसे करेंगे। अब उसी हिस्से को अपन, जैसे पीछे का काटा था मैंने, ये वाला मैंने दो पोर्शन करे थे ऐसे इस तरह से, तो अब उसी के में से बीच में से अपन ये कटिंग कर लेंगे। आधा हिस्से में गले की कटिंग कर देंगे, अपने को कितना डीप चाहिए उस हिसाब से, और आधे हिस्से को इस तरह से रख लेंगे। अब आधे में क्या करना है, मैंने अगर जिसका 40 का सीना है तो यहाँ से अपने को ये इस चीज को आधा आधा करना, इस चीज को ऐसे ऐसे आधा करा, ये लाइन आ गई। इस लाइन से अपन 13 इंच कर देंगे, यहाँ पे 13 इंच की लाइन बनाएंगे। फिर यहाँ पे 3.5 इंच का गले की तरफ से, गले की तरफ से 3.5 इंच का ये बेल्ट का निशान लगाएंगे आगे की तरफ का। ये पीछे की तरफ भुज की तरफ से पीछे की तरफ का 3 का बनाएंगे, ये बीच में 13, ये 3.5 और ये 3 को ये वाला शेप आ जाएगा, ये वाला शेप आ जाएगा। ये 3.5 है, ये 3 है और ये 13 पे मैंने ये निशान लगाया है, तो ये चांद शेप बनना चाहिए बेल्ट में। तो ये इसकी फिटिंग से आप ब्लाउज बनाओगे ना तो आपके कहीं से हिलेगा तक नहीं, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इस ब्लाउज की। तो ये वाला तरीका आप अपनाना, बहुत अच्छे से कटिंग होएगी और फिटिंग भी आएगी इसकी। ये देखो, ये ऐसे ऐसे राउंड में बनना चाहिए, ये चीज राउंड आनी चाहिए और ये बड़े साइज में 13 इंच की कटिंग होएगी है। और 1 इंच अब यहाँ से बेल्ट बढ़ानी है अपने को, ये बेल्ट की कटिंग हुई है ना, तो अब यहाँ से अलग से पेपर लेकर के इस बेल्ट को 1 इंच लंबा करना है, तो अलग से बनाएंगे। एक साथ नहीं लेना कि पीछे का 16 लिया आगे का 17 लिया, वो चीज गलत है। बेल्ट को अलग से बढ़ाना है, बस इस चीज का ध्यान रखना। ये कटिंग ऐसे होगी, ये आगे वाले गले की आगे वाले पोर्शन की कटिंग हो गई है। अब मैं आगे के टक्स डालना बता रही हूँ ब्लाउज में। 4 टक्स ब्लाउज में आगे के टक्स कैसे डलते हैं, कैसे किस तरह से बनेंगे, तो इसमें यहाँ से नाप नहीं लेना है। ये कंधे वाला, ये कंधे को हाफ हाफ कर देंगे और ये लाइन बना लेंगे इस तरह से। ये हो गया, अब यहाँ पे ये लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई, यहाँ पे ये लाइन आई है। तो अब यहाँ से कुछ नहीं नापना अपने को, केवल, और यहाँ से भी कुछ नहीं नापना। यहाँ से अपन 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे, ये 2.5 इंच का इस लाइन पे निशान लगा दिया। अब यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। 4 टक्स ब्लाउज है, 4 निशान लगाने। इंच टेप को ऐसे नहीं रखना, ना ऐसे सीधा रखना, हल्का सा टेढ़ा कर देंगे, हल्का सा। ये 1.5 इंच का निशान आ गया, ठीक है। अब इस 1.5 इंच को यहाँ मिला देंगे सीधा। ऐसे कई लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे तिरछा करते हैं, तिरछा नहीं करना, बिल्कुल सीधा लेके जाना है। तिरछा करोगे तो वो फिटिंग सही नहीं आती है, ब्लाउज ऊपर चढ़ता है। तो इसको ऐसे करेंगे, फिर यहीं से वापस से 1.5 इंच का निशान एक और लगाएंगे, यहाँ से 1.5 इंच इसको इस स्टेप को सीधा करके लगा देंगे। ऐसे भी करेंगे तो चलेगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो चीज बनी थी ना, इसके अंदर ऐसे जाना चाहिए ये वाला निशान। ये 1.5 इंच का ये निशान हो गया। अब 1.5 इंच का इधर से लगाएंगे ऐसे, ये निशान इसको हल्का सा ऐसे इस शेप में रखेंगे। अब इसको क्या करना, कई लोग तो क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे निशान लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाना, ये हल्का सा नीचे जाएगा। ये कई लोग इसको, ये निशान को उल्टा कर देते हैं, ये वाला निशान यहाँ आता है ऐसे, इसको तो नीचे कर देते हैं, और ये वाला निशान नीचे जाता है उसको ऊपर कर देते हैं। तो इस ये डायरेक्शन चेंज कर बता रही हूँ मैं, बहुत अच्छा ब्लाउज फिटिंग आएगा अगर इस तरह से आप सिलोगे, कटिंग करोगे तो।
इसमें ऐसे क्या करना है, ये वाला निशान तो सीधा करना है और इस निशान को ऐसे तिरछा करना है, और ये वाला शेप आना चाहिए इसका टक्स का, ये वाला शेप आ गया ना आपका, तो आपका टेलर से भी बेस्ट ब्लाउज की फिटिंग आएगी। तो आप इसको इसका इस तरह की कटिंग करके ही आप ब्लाउज बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं है ना ये आस्तीन की कटिंग बता रही हूँ। इसमें स्लीव्स में क्या होता है, अगर अपना ये 6.5 के भुज आ रहे हैं तो 6.5 आगे के होंगे, 6.5 ही पीछे का राउंड हो गया, तो ये हो गए 13। 13 में अपन प्लस 8 कर देंगे, क्योंकि अगर 8 में इसलिए प्लस कर रही हूँ, ये वाली सिलाई वापस कमर और सीने में जुड़ेगी आगे, इसलिए 8 प्लस करना है। अब ये हो गया 21। 21 में अपन 2 माइनस कर देंगे, 2 माइनस करने, 2 माइनस क्यों करने, अपने को आस्तीन की गोलाई में 2 माइनस, अभी मैं कटिंग में सब मालूम चल जाएगा कि 2 माइनस, अपने को 19 की आस्तीन काटनी है। अब आस्तीन का शेप बता रही हूँ कि किस तरह से मैंने आपको 2 माइनस करवाए, और ये 13 क्यों आया, 8 क्यों आया, सब पता चल जाएगा। अगर अपना प्लेन ब्लाउज है तो अपने को 7 इंच की लंबाई रखनी है, लंबाई अगर 5 है तो अपने को 7 लेनी है, अपने को 7 लेनी है, और चौड़ाई लेनी है अपने को 19 आया है तो अपने को लेनी है 9.5, 9.5 की लंबाई ले लेंगे तो 19 आ जाएगा, चौड़ाई 19 लेनी है, लंबाई 7 इंच की लेनी है। अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 3.5 आएगा, और यहाँ पर भी 3.5 आएगा इस तरह से। अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ 4 आएगा, इधर भी 4 आएगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 2.5, ऐसे आधा आएगा, जो यहाँ पर है उसका आधा यहाँ लेना है, ठीक है ना। अब यह 7 है तो मैंने 3.5 ले लिया, इस 3.5 को 7 को इस तरह से मिलाना है। पहले तुम है ना इसे सिंपल सा मिला लो 3.5 को और 7 को, फिर इसी को अच्छा सा शेप दे करके, और ये चीज करनी है अपने को, ये वाली पत्ती ये निशान लगाना है, और ये 1 इंच जो मैंने 2 माइनस बताए वो यहाँ से 1 इंच इधर से 1 इंच इधर से, ये 2 माइनस ऐसे हो गया। ये वाली कटिंग अपने को ऐसे डालनी, ऐसे करनी है। ये आ गया अपना आस्तीन का शेप, इस तरह से अपने आस्तीन की कटिंग होगी।